वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और फिर इसके बाद आने वाले बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम पटवारी साहब, मैं आप सब भैया को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, और आप सबसे दुआ है कि जहाँ भी हों आप खुश हों। आप सबसे सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को आने सब्सक्राइब, उसके बाद बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। रात वाली वीडियो आपने देखी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, असल में उठते करते कुछ काम थे, वो फिर लड़के काम करते रहेंगे, तो इन्होंने जो दरबार सेटिंग लगानी थी, शमियाना वगैरह, वो लगाया, तो अभी वो लगे हुए थे, फिर मैं भी आया हूँ बाहर, चेक किया, देखा तो लगाया, मैंने कहा दिखाऊंगा आपको, तो शमियाना अच्छा लगा हुआ है, प्यारा लगा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। शमियाना की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। जी ये बाहर लगा है सेटअप, और अभी लगा रहे, मुकम्मल नहीं लगा ये, अभी बस खड़ा किया है, अभी कनाते वगैरह सेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर की सेटिंग करेंगे, तो काफ़ी बड़ा है ये, अंदर चलते हैं। ये सेटिंग है, कनाते वगैरह साथ साथ लगा रहे हैं, बैठे हुए भी पानी शानी पी रहे हैं, थक गए बेचारे, वो उधर सामने ऊपर जो है ना वो वहाँ पे पकाएंगे, पकाई शाही होगी, तो उसके लिए सेटिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे टेबल वगैरह लगा रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ये देखें अभी ये जो है ना, अभी ये जो है ना सिस्टम अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये लग रहा है, तो एक रिव्यू आपको उसका कंप्लीट का भी देंगे, तो कंप्लीट का भी देंगे कि जब कंप्लीट सेटअप लग जाएगा, तो फिर उसके बाद सेटिंग लग जाएगी कुर्सियों वगैरह की भी, कुर्सियां भी लग जाएंगी, तब आपको वो भी दिखाएंगे, यानी मुकम्मल जब लग जाएगा ना सिस्टम, पूरा सेटअप लग जाएगा, तो वो तो उसके भी आपको शेयर करेंगे, दिखाएंगे कैसा लगा, और बताइएगा आप अभी कैसा लग रहा है, और बाद में जब फुल लगेगा फिर, तो चलें इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर तक। फिर अभी ये टेबल वगैरह सेट कर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल कंप्लीट नहीं हुआ, प्यारा ही लग रहा है, जब ये फुल कंप्लीट हो जाएगा, सेटिंग लग जाएगी, इसका अपना नज़ारा होगा, अपना होगा मज़ा देखने का उसका। ये हमारी आप परी से मिलें, छोटी परी से, ये अभी इसकी उम्र 2 माह नहीं हुई पूरी, तो ये बाबा की जो है ना वो लाडली है, और ये मामा के पास चुप होती नहीं है, जब होती है बाबा के पास चुप हो जाती है, तो अभी मैं इसके पास बैठा हूँ, ये रो रही थी, अभी मैं जैसे ही पास बैठा हूँ चुप हो गई है। इसके अंदर क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, आप भी बातें करो, वही वही आप भी बातें करो, ये भी बातें नहीं कर सकती, बल्कि हूँ वहीं करेगी, तो अभी इसने चूसनी वगैरह डाली हुई है मुँह में, अभी खामोश है। ये अभी इन्होंने लगा दिया है, और मौसम भी जो है वो तब्दील हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो ये एंट्रेंस दी है इन्होंने, और चलते हैं अभी अंदर और देखते हैं क्या सिस्टम इन्होंने किया। ये बांजी है मेरी, किधर है चूचू, किधर है वो उनको देख के कह रही है चूचू, वो मुर्गे चूचू, किधर है चूचू बेटा,
चूचू अच्छा बाय बाय करो बाय बाय करो बाय बाय करो बाय बाय करो। ये भी अंदर घूम फिरी है। ये हम एंट्रेंस से एंटर हो रहे हैं। ये एंटर हो गए और टेबल लगा दिए गए, फैन ऑन कर दिए गए हैं और इधर भी टेबल लगा दिए। हाँ जी बर्फ नहीं मिली बाहर गए से हो तो बर्फ नहीं पता की थी। इस साइड पे खाने का सेक्शन है, खाना वगैरह तैयार होने है। ऊपर से दिखाता हूँ, ये पानी आ गया इधर। जी भाई केड़ी ओ सुतरी ली ओ चाहिए उसी वे कोई साफ सुफ कर सो चीजें मिली जासी मिली मिली जासी मिली जासी उसमें स्मेल निकली जासी फिर हैं या दूसरी इस्तेमाल करी क्यों लोहे ली ठीक है। अच्छा चलो मैं देना ये एरिया कुकिंग एरिया है, यहाँ पे खाना वगैरह तैयार करेंगे। अभी लगे हुए तैयारियों में। लगे हुए भाई साहब काम पे, तैयारी हो गई है, ये लगा दिया सेटिंग। बाकी डेकोरेशन वाले भाई आएंगे, वो कुछ डेकोरेट वगैरह करेंगे अपना। तो सामने बिल्कुल स्टेज के फट्टे वगैरह लगा दिए हैं, और फट्टे ही बोलते हैं ये, हैं टेबल छोटे छोटे से लेकिन ये फट्टे बोलते हैं, वो लगा दिए। और स्टेज वाला बंदा आएगा, वो स्टेज बनाएगा, वो जुमे के बाद फौरन आएंगे। तो तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से जारी हैं। मैं गया हुआ था अभी बाज़ार वाली साइड पे, वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, वो ख़रीद के लाया हूँ। और जब तक मैं जितनी देर में वापस आया उतनी देर में इन्होंने ओके कर दिया था, रेडी कर दिया था। आपने अपना नहीं बताया कि आपको सेटअप कैसा लगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि हमने जो तैयारी की है बिल्कुल ठीक की है कि नहीं की। तो अभी जब स्टेज भी लगाने वाले आएंगे, भाई स्टेज लगाएंगे, उसका भी आपको दिखाएंगे कि स्टेज कैसा लग रहा है। तो बहरहाल स्टेज जो होगा वो हमने बहुत अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है, लेकिन बाकी अब जब लगेगा तो पता चलेगा कि कैसा स्टेज लगा है। वो स्टेज जो आपको लास्ट में नज़र आएगा, ठीक है। तो आखिर में आपको स्टेज दिखाएंगे कि स्टेज कैसा बना है। जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन के निशान पर भी क्लिक कीजिएगा। जुमा का टाइम हो गया है और अभी जुमा पढ़ लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद जो है वो वीडियो का दोबारा से आगाज़ करेंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या काम हो रहा है। तो अभी जुमे का टाइम है, ये चीता जो है ना ये नहीं जाएगा जुमे पे, क्योंकि ये अभी शरारतें बहुत करता है, तो इसलिए अभी इसको नहीं लेके जाते। इंशाल्लाह जल्दी लेके जाया करेंगे, है ना बेटा। आप को सब्सक्राइब कर अब पता चल गया इसे। तो चले जुमे के बाद मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, नमाज जुमा अदा हो गई है और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। वो पीछे मस्जिद आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे नमाज जुमा अदा की है और घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, बादल आ गए थे बारिश के लिए,
लेकिन छोटा भाई बड़ा परेशान हो गया, कहता अब क्या होगा। मैंने कहा जो होगा मंजूर खुदा होगा। तो बारिश, खैर मौसम अभी खुल गया, हवा ठंडी हो, हवा ठंडी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं पे बारिश हो रही है या हो चुकी है या हो रही है। तो बारिश अभी तो खैर मौसम नहीं है, हम लग भी असर है कि बारिश होगी और बादल से आ गए, लेकिन अभी धूप निकल आई है। अभी देखें ये भी आपको धूप नज़र आ रही होगी, तो धूप निकल आई है और बारिश का भी सीन बना हुआ है। खैर जैसे अल्लाह को मंजूर, वो तो कोई टाल नहीं सकता, तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो, बर्दाश्त कीजिएगा, जुड़िएगा, देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। जी। अच्छा ये जो रोटी है ये हमारी ट्रेडिशनल है, यानी कि सकाफत है हमारे इलाके की, बड़ी रोटी बनेगी इस पे, लो पे। एक और होती है वो और भी बड़ी बनती है, लेकिन हमने उससे थोड़ा कम छोटा साइज रखा। तो ये जब रोटी बनेगी तो इसका भी आपको व्यू कराएंगे, दिखाएंगे। रोटी बनाने वाले भी कारीगर होते हैं इसके, हर बंदे से नहीं बनती, तो ये कारीगर लोग हैं, ये रोटी बनाएंगे। पेड़े को रखा है जी और बना रहे हैं, अभी रोटी तैयार करेंगे, देखें आप। ये चेक करें आप कैसी गोल रोटी और बारीक रोटी तवे पे। ये देख,
स्टेज तैयार हुआ है जी भाई की मेहंदी का। तो मैंने कहा था आपको लास्ट पे दिखाऊंगा, तो लास्ट पे ही दिखा रहा हूँ। तो ये स्टेज तैयार हुआ है, प्यारा सा तैयार किया है भाई ने। तो मैंने कहा चलो अभी लास्ट पे आपको स्टेज तो दिखाना है मैंने। तो अभी मुझे बताइएगा स्टेज कैसा लगा आपको, पसंद आया या नहीं आया। इसी के साथ अपने पटवारी शहजादे को दें इजाज़त। मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ। चलें इसी के साथ अपने पटवारी शहजादे को दें इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।